खरगोन शहर में 10 अप्रैल को हिंसा के बाद एक बार फिर शांति और सौहार्द कायम करने के लिए प्रशासन के साथ सामाजिक स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। बुधवार को जमीयत उलेमा ए हिंद मध्य प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इशाक कासमी शहर पहुंचे। यहां उन्होंने हिंसा के दौरान पत्थरबाजी में इस्लामपुरा निवासी इब्रेस के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। उन्हें सांत्वना देते हुए सामाजिक स्तर पर मदद का भरोसा भी दिलाया। मोहम्मद कासमी ने शहर में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर दुख जताते हुए कहा कि जमीयत उलेमा का प्रयास है कि शहर में अमन शांति भाईचारा बना रहे, गंगा जमुना तहजीब फिर से कायम हो, यही संदेश वह दंगा पीड़ितों से मिलकर दे रहे हैं। प्रभावितों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है जिससे कुछ हद तक उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। दोनों फिरकों को मिलाने के लिए, आपस में मेल जोल के लिए गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहे उसके लिए आए। ये जमीयत उलेमा वो है जिसने मुल्क को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से और हमेशा बिला तफरीक मजहब मिल्लत हमेशा सबकी मदद करती रहती है आसमानी सुल्तानी फितने फसाद के वक्त के अंदर। आज क्या उद्देश्य था आपका खरगोन आने को और कितने लोगों से मिले और क्या उनको? ये हमारे भाइयों से मिले, हिंदू मुसलमानों से आपस में मेल जोल कराएं और कुछ जो बने उनकी सहायता मदद करें। क्या संदेश देना चाहते हैं आप देश? अमन शांति का, मोहब्बत प्यार का, नफरत दूर हो, दुश्मनी दूर हो और आपस में मोहब्बत प्यार से पहले रहते थे अब भी इसी तरीके से रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इशाक कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश भोपाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।